लंचलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आंखों से जुड़ी हुई समस्या और कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाबा मस्तनाथ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल रोहतक के वाइस चांसलर डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं सवाल। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो, नमस्कार मैम, मैं मनीष हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछे मनीष। मैम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मेरी आंखों का नंबर है -0.75। तो मैं जब भी, मेरे को चश्मा तो लगा हुआ है वैसे, जब भी मैं विटामिन ए और डी के कैप्सूल है वो खाता हूँ तो मेरी आंखों की नजर बिल्कुल सही आ जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही वीक शुरू हो जाती है और मेरे को जो चश्मा लगा हुआ है उससे क्लियर नहीं दिखाई देता है और मेरे को डबल भी दिखाई देता है, डबल विजन, डबल चीज दिखाई देती है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे ठीक हो सकता है। और मनीष जी, सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आप एक बार अपना नंबर दोबारा से चेक कराएं। सबसे जरूरी चीज यह है कि नंबर को दोबारा से चेक कराएं, पहली चीज तो यह है। दूसरा, विटामिन ए और विटामिन डी के कैप्सूल्स हमारी आंख की रोशनी के लिए बहुत अच्छी चीज है, आप खाते रहिए, इनका कोई नुकसान नहीं है। एक महीना खाएं, 3 महीने के बाद फिर 1 महीना खा लें। इसलिए आप अच्छा कर रहे हैं जो विटामिन ए और डी के कैप्सूल्स खा रहे हैं, और अपना नंबर एक बार पुनः चेक करा लें। मुझे लगता है कि आपका आंखों का नंबर बदला हुआ है। जी मनीष जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम बात करें लेंसेज की, मार्केट में आजकल काफी ज्यादा लेंसेज आ गए हैं, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स में जो हैं वो कौन कौन से हैं? मार्केट में आजकल सबसे ज्यादा तो डेली वेयर कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं। लोग आजकल डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज जो हैं वो यूज करते हैं कि एक लगाया पेयर फिर फेंक दिया, फिर लगाया फिर फेंक दिया। अच्छी चीज है क्योंकि इसमें ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम दूसरे लेंसेज लगाते हैं उन लेंसेज के ऊपर डिपॉजिट्स आ जाते हैं, उन लेंसेज के ऊपर कई तरह की और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हाइजीनिक तो बहुत हैं पर थोड़े से कॉस्टली हैं जी। दूसरे, आजकल टॉरिक लेंसेज अवेलेबल हैं, जिन लोगों का सिलेंड्रिकल नंबर है उनके लिए टॉरिक लेंसेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा आजकल कॉस्मेटिक लेंसेज बड़े सारे अवेलेबल हैं। आप अपनी आंखों का रंग भूरा दिखाना चाहते हैं, आप अपनी आंखों का रंग ब्लू दिखाना चाहते हैं, फैशन मार्केट में आजकल लोग काफी इस्तेमाल कर रहे हैं, मूवीज में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेयर्स ने यूज करने शुरू किए हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज, ऐसे कॉस्मेटिक कॉन्टेक्ट लेंसेज भी अच्छे कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, कोई नुकसान नहीं है। सबसे कॉन्टेक्ट लेंसेज का मेरा ये मानना है कि नुकसान कोई नहीं है। कॉन्टेक्ट लेंसेज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहली जरूरी चीज अपनी हाइजीन और लेंसेज की हाइजीन। जैसे मान लो मैं कॉन्टेक्ट लेंस लगाना चाहता हूं तो पहले तो मैं अपनी हाइजीन देखूं। मेरी हाइजीन क्या, कि मैं अपने नेल्स काटूं प्रॉपरली जी। अगर मैं मेकअप करता हूं, मान लो आईलाइनर लगाता हूं, तो मेरे को ध्यान देना है कि मैं आईलाइनर पहले लगाऊं कि लेंस पहले लगाऊं जी, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मैं हाथ धोकर काम करूं, और कॉन्टेक्ट लेंसेज को जैसे मैं बॉटल्स में रखता हूं तो उन बॉटल्स को साफ सुथरा रखूं, उन बॉटल्स में लेंसेज डालते हुए जिन चीज से मैं डालता हूं जो एप्लीकेटर होता है वो एप्लीकेटर भी साफ सुथरा हो, जिस केस में मैं लेंसेज को रखता हूं वो भी प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। इस तरह से अगर हम लेंसेज की हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्ट लेंसेज का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। अब होता क्या है कि कॉन्टेक्ट लेंसेज लगवा लिए और खुले छोड़ दिए जी, मिट्टी भी चली गई। कॉन्टेक्ट लेंसेज लगवा लिए, कई दिन लगाया ही नहीं, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी नहीं बदला जी। तो इस तरीके से लोग कई ऐसी चीजें कर लेते हैं। जैसे मैं मान लो चंडीगढ़ से रोहतक चला गया, अपना केस भी नहीं ले गया, अपना सोल्यूशन भी नहीं ले गया, तो आई एम बाउंड टू हैव प्रॉब्लम्स, मेरी ट्रबल होनी होनी है। तो इसलिए कॉन्टेक्ट लेंसेज जब भी लगाएं, पहली बात तो आपका मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, कि मैं कॉन्टेक्ट लेंस लगाना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, जब लगाऊं तो मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लूं। ट्रेनिंग किससे लूं? डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से ये कहूं कि जी आप मेरे को लगाना सिखाएं, उतारना सिखाएं, मेंटेन करना सिखाएं। जिस दिन आप डॉक्टर से सीख लेंगे फिर आप शुरू शुरू में प्रैक्टिस करेंगे, शुरू शुरू में मुश्किल आएगी, और जब मुश्किल खत्म हो जाएगी तो आप देखेंगे बिंदी की तरह लोग लगा लेते हैं जी, जी। इतना इजी हो जाता है। डॉक्टर, एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। जी सुखदीप सिंह बोल रहे हैं, ये मुक्तसर शहर से। जी कुलदीप जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर आहूजा से। हाँ जी, सवाल है, जो टीवी वेना जी मेरे अखा विच ते
ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣੇ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੁੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁੰਸੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੀਜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੁੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਫੁੰਸੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੁੰਸੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆਪਕਾ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਔਰ ਕਾਲਰ ਹੈ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਉਨਕਾ ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾਈਏ ਔਰ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਲੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਸੋਨੇਪਤ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਂਜੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕਮ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ हेलो हाँ जी कमलेश जी आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए फिर सवाल पूछिए हेलो जी जी कमलेश जी आप अपना सवाल पूछिए हाँ जी मेरे आई का जो नंबर है -2.75 है और चार साल से लगातार यही चल रहा है जबकि मैं विटामिन ए के कैप्सूल भी खाती हूँ और मैं ये लेंसेज लगवाना चाहती हूँ तो क्या मेरी आईज के लिए क्योंकि वही नंबर लगातार चार सालों से चला आ रहा है तो क्या वो लेंसेज मेरे लिए यूजफुल रहेंगे प्लस मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आई लेंसेज लगवाने के बाद क्या आईलाइनर यूज किया जा सकता है पहली बात तो बड़ी अच्छी बात है कि चार साल से आपका नंबर नहीं बदला दूसरी बात ये है कि अभी अगर आपकी उम्र क्या है मैं 46 ईयर ओल्ड हूँ आपको बिल्कुल नहीं लगवाने चाहिए कॉन्टेक्ट लेंसेज क्योंकि अगर -2.75 नंबर है तो आपको पढ़ने के लिए अब चश्मा उतारना पड़ता होगा चश्मा पढ़ने के लिए आप चश्मा उतारती हैं आप हाँ दूर का तो अच्छा दिखता है पास से तो उतारना ही पड़ता है उतारना पड़ता है ना पास के लिए अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाएंगे तो कॉन्टेक्ट लेंसेज तो ऐसे उतार नहीं पाएंगे ना जैसे चश्मा उतारते हैं तो इसलिए नजदीक के लिए आपको अब चश्मा लगाना नहीं है और कॉन्टेक्ट लेंस आप लगाएंगे तो नजदीक की पढ़ने की आपको दिक्कत आएगी इसलिए आप कॉन्टेक्ट लेंसेज का 45 साल की उम्र पे बिल्कुल भी मत सोचें कॉन्टेक्ट लेंसेज बिल्कुल नहीं लगाने दूसरा पूछा आपने आईलाइनर का आईलाइनर आप बिल्कुल लगा सकते हैं कॉन्टेक्ट लेंस पहले कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं फिर आईलाइनर लगाएं डॉक्टर एक और कॉलर है देखिए उनका सवाल क्या है हेलो हेलो हाँ जी आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं रमेश वर्मा बोल रहा हूँ मलोड से जी रमेश जी आप अपना सवाल पूछिए मैडम मैं 2-3 साल से कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा हूँ इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ये कॉन्टेक्ट लेंस एक्सपायर हो चुके हैं आप 3 साल से एक ही पेयर यूज कर रहे हैं नहीं अलग अलग यूज कर रहा हूँ थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है आंख में थोड़ी लाली आने लगती है नहीं सबसे पहली बात तो ये जो कॉन्टेक्ट लेंसेज आप लगाते हैं इनको साल से ज्यादा तो लगाना ही नहीं चाहिए जी। जो आपने आज पेयर लिया चाहे किसी भी कंपनी का लिया अगर डेली वेयर लेंसेज आपके वो हैं तो आपको साल से ज्यादा तो वैसे ही उपयोग नहीं करना चाहिए साल के बाद उनको फेंक ही देना चाहिए और दूसरी बात कि आपने पूछा कि आपको कब बदलने चाहिए जब कॉन्टेक्ट लेंसेज आपके आपको इरिटेशन देने लगे आपकी आंखों में सूजन पैदा करने लगे आपको लाइट ना सुहाने लगे उस समय आप डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं वो आपके लेंसेज को चेक करे यदि उसको लगे कि आपके लेंसेज ठीक हैं तो वो आपको कुछ तरीके बताएगा कि आप अपने लेंस को साफ कर दें क्योंकि लेंस को साफ करने का भी तरीके होते हैं लेंस की स्टरलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्ट लेंसेज जो होते हैं इनके ऊपर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो हमारे आंसुओं के अंदर जो चीजें होती हैं वो जम जाती हैं इसके ऊपर इन्हें हम प्रोटीन डिपॉजिट्स कहते हैं तो उनके लिए टेबलेट्स आती हैं मार्केट में हम लेंस उसको केस में डालें ऊपर से वो टेबलेट डाल दें 4 घंटे के बाद दोबारा से सोल्यूशन चेंज करके हम अपने लेंसेज को लगा सकते हैं तो इसलिए जो कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं इनके ऊपर डिपॉजिट्स आते हैं 15 दिन के बाद हमें वो डिपॉजिट्स रिमूव करने ही होते हैं इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने से पहले कॉन्टेक्ट लेंसेज की हाइजीन की ट्रेनिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज के रख रखाव की ट्रेनिंग हमें जरूर लेनी चाहिए ऐसा नहीं कि दुकान पर जाएं कॉन्टेक्ट लेंस लें और लगा लें जी डॉक्टर एक और कॉलर है देखिए उनका सवाल क्या है हेलो हेलो हाँ जी अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं जी मेरा नाम अमरनाथ है जी मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ जी जी आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर आहूजा से हाँ जी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब जी अमरनाथ जी जी मेरा सवाल ये है जी कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के कोई साइड इफेक्ट या एलर्जी वगैरह भी होती है क्या जी इससे
कॉन्टेक्ट लेंस अगर आपको पहले से एलर्जी है, कॉन्टेक्ट लेंसेज एज इट इज एलर्जी नहीं करते, किसी किसी व्यक्ति को, कोई हजारों में एक होगा जिसको एलर्जी करते होंगे, और कॉन्टेक्ट लेंस से नहीं एलर्जी होती, एलर्जी जो सोल्यूशन हम कॉन्टेक्ट लेंसेज के लिए यूज करते हैं उससे एलर्जी होती है, पहली चीज। दूसरी कि कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के नुकसान, यदि आपका रख रखाव ठीक नहीं है तो नुकसान है। कॉन्टेक्ट लेंसेज से कॉर्निया का इन्फेक्शन, उससे कॉर्निया में जख्म, उससे कॉर्निया में पस, उससे अंधापन, सब कुछ हो सकता है यदि हम रख रखाव ठीक से ना रखें। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम उनके रखने के तरीके को सीखें। जी अमरनाथ जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम लेंस की बात कर रहे हैं तो ये हुआ कि भाई लेंस लगाने वाले हैं उनको कैसे लगाना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए, पर वैसे कौन से लोग हैं जिन्हें लेंस लगाना ही नहीं चाहिए, कॉन्टेक्ट लेंस लगाना ही नहीं चाहिए? लगाना ही नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपने पूछा। जैसे डायबिटीज के लोग हैं, शुगर के लोग हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए। गाउट के लोग हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, उनको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे आंख में बार बार इन्फेक्शन होता है। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, और जो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रही हैं उनको भी प्रेगनेंसी में डिसकंटिन्यू कर देने चाहिए क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस प्रेगनेंसी के समय में हमारी आंखों में सूजन वैसे ही आता है कॉर्निया में, और कॉन्टेक्ट लेंसेज से भी थोड़ा सा कॉर्निया का एडिमा बढ़ता है। तो इसलिए जो महिलाएं प्रसव के दौरान, अपने प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्टेक्ट लेंसेज को बिल्कुल मत लगाएं। जी, जैसे कि आपने कहा कि इन लोगों को नहीं लगाना चाहिए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जिनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ड्राई जिनकी आंखें हैं, थायराइड की जिनको डिजीज है, मतलब जिनका थायराइड है, जिनको केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिक्का बोलते हैं हम, जिनकी आंखों में आंसू पूरे नहीं बनते, उनको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आंखों का लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है, और कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद तो आंखों का नम रहना, आंखों का गीला रहना और भी जरूरी है, और इसीलिए आप देखेंगे कि हमें झपकाना ज्यादा पड़ता है। हमारी आंखें झपकने का क्या लाभ है? झपकने का लाभ यह है कि एक तो कोई बाहर की चीज अंदर ना जाए, दूसरी हमारे आंख के अंदर के जो आंसू हैं उनको प्रॉपरली स्प्रेड कर दिया जाए, वो प्रॉपरली फैल जाए, ताकि हमारे कॉर्निया, हमारी जो आंख के अंदर गलत पदार्थ चले गए हैं वो वॉश आउट हो जाए और हमारा कॉर्निया जो है नम रहे। अगर हमारा कॉर्निया गीला नहीं रहता, सूख जाता है, तो कॉर्निया सूखकर बिल्कुल ड्राई होकर खत्म हो जाता है और हमें दिखना बंद हो जाता है, हमारा अंधापन हो जाता है। इसलिए हमें कॉन्टेक्ट लेंसेज जो लोग लगाएं या जो लोग कंप्यूटर्स पे काम करें, मैंने पहले कहा था, ये सब लोग टीवी देखते हुए भी आंखों को झपकाना ज्यादा चाहिए, ये आंखों के लिए लाभदायक। जी डॉक्टर राहुजा, आप हमारे स्टूडियो में आए, कॉन्टेक्ट लेंस और आंखों से जुड़ी समस्या के बारे में बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आंखों की समस्या और कॉन्टैक्ट लेंस से संबंधित आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।